चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यान की सफलता पूर्वक उतरने की उम्मीद इस समय सभी देशवासियों को है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इसरो कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। वर्ष 2019 में भी एक प्रयास किया था पर सफलता नहीं मिली थी। पुनः इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा की सतह की जानकारी जुटाने को तैयार है। इसी महीने की 14 तारीख को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे यान को LVM-3 रॉकेट के जरिए छोड़ा जाएगा। अभियान के सफल होते ही चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा के बारे में पहले की अपेक्षा और गहन जानकारी जुटाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बहुप्रतीक्षित चंद्र अभियान चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इस यान का विद्युत परीक्षण पूरा हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में चंद्रयान 3 ने अपनी सभी आवश्यक जांच पूरी कर ली है और यह उन सभी परिस्थितियों में भी खरा उतरा है जो प्रक्षेपण के दौरान सामने आती है। चंद्रयान 3 एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रयान 2 को फॉलो ऑन मिशन है वर्ती अभियान है। दूसरे शब्दों में कहे तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद का अभियान है जो चंद्र की सतह की सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगा और चंद्रमा की सतह से जुड़ी तमाम वैज्ञानिक जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान 3 भागों से मिलकर बना है तो इस यान के 3 भाग हैं। तीनों ही भाग देश में तैयार किए गए हैं। ये तीनों हिस्से लैंडर मॉड्यूल और प्रोपेलर्स मॉड्यूल और एक रोवर भले ही यह यान 3 अलग अलग भागों से मिलकर बना है